तो अगर आप लोग चाहते हो कि ट्रेजर हंट इवेंट में आप लोग को लेजेंडरी चेस्ट, हीरो स्किन्स एंड हीरो इक्विपमेंट्स वगैरह मिले, तो ये वीडियो एंड तक के जरूर देख लेना, क्योंकि हर टाउन हॉल के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग चेस्ट के गाइस यहाँ पे रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, किसमें ज्यादा चांसेस हैं, किसमें कम, और ईच चेस्ट, हर चेस्ट के मिलने के कितने परसेंट चांस है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये टोटली लक पे डिपेंड नहीं करता है। तो चेस्ट की रेयरिटी की बात करें तो उसमें आप लोग को कॉमन चेस्ट मिलने के 58% चांसेस है, रेयर के 32%, एपिक 8% और लेजेंडरी सिर्फ 2% चांस है। बट स्टिल रिवॉर्ड्स के आप लोग को मिलेंगे, उनके भी अलग रेयरिटी रेट्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, यहाँ पे आप लोग को जो इक्विपमेंट्स मिलने, आप लोग लग रहा हो कि सारे इक्विपमेंट्स हम लोग को इसमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। लिस्टेड कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो ही आप लोग को देखने को मिलेंगे, एंड लिमिटेड हीरो स्किन्स भी हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को क्लियरली बता दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि फ्यूचर में भी अगर कोई इवेंट्स वगैरह आए, कोई अपडेट्स आए, तो उसमें आप लोग एक इफेक्टिव वे में प्रोग्रेस कर सको। मोस्टली गाइस अभी जितने भी टाउन हॉल्स है उसमें रिवॉर्ड्स जो है वो सेम रहेंगे, बट गाइस यहाँ पे चांसेस और अमाउंट का डिफरेंस हो सकता है, तो वो आप लोग इस चार्ट में समझ लेना। जितने भी पॉपुलर टाउन हॉल्स है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पे टाउन हॉल 11 के रिवॉर्ड्स की बात करें तो उसमें आप लोग को कॉमन में रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ मैजिक स्नैक्स कॉमन चेस्ट में आप लोग को मिलेंगे, रेयर में आप लोग को मैजिक आइटम्स और ओर्स देखने को मिलेंगी, और उसी के साथ साथ एपिक में बुक्स एंड बाकी जितने एपिक ओर्स हैं वो मिलने वाले हैं। लेजेंडरी की बात तो किंग क्वीन वार्डन की स्किन देखने को मिलेगी और हीरो इक्विपमेंट के ज्यादा चांसेस हैं। सेम ही गाइस यहाँ पे टाउन हॉल 12 के साथ भी है, कॉमन में रिसोर्सेज और उसी के साथ साथ मैजिक स्नैक्स, रेयर में मैजिक आइटम्स, कैपिटल हाउस के पार्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बुक्स वगैरह मिल सकती हैं, एपिक में डेकोरेशंस मिलने वाली हैं। कौन कौन सी डेकोरेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेजेंडरी में आप लोगों को हीरो इक्विपमेंट और किंग क्वीन वार्डन की स्किन देखने को मिलेगी, और अभी आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रूनस और रून ऑफ डार्क, रून ऑफ एलिक्सर, बुक ऑफ एवरीथिंग भी है, तो ये क्यों मिल रही है? क्योंकि मोस्टली सभी लोग ये चाहते हैं कि हीरो इक्विपमेंट और हीरो स्किन्स मिले, तो इसका भी एक अलग ही पैटर्न है। वो ये है कि जब आपके पास अवेलेबल जितने भी स्किन्स होंगी जो कि इसमें मिलने वाली है वो आपके पास होगी, इक्विपमेंट्स आपके पास होंगे, तब गाइस यहां पे आप लोग को ये सभी मैजिक आइटम्स देखने को मिलेंगे। एज यू कैन सी यहां पे इनके बहुत ही ज्यादा कम चांसेस भी हैं। टाउन हॉल 13 पे भी गाइस यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, अमाउंट का कुछ डिफरेंस रहेगा, बट इसमें आप लोगों को गाइस यहाँ पे रॉयल चैंपियन की भी स्किन देखने को मिल सकती है लेजेंडरी में, और मैजिक आइटम्स का जैसा कि अभी मैंने पैटर्न बताया। टाउन हॉल 14 की बात करें तो इसमें भी आप लोग को गोल्ड की गाइस यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कॉमन में, उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे रेयर की बात करें तो इसमें गाइस यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है गाइस यहाँ पे मैजिक आइटम्स मिलने के। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एपिक में आप लोग को क्लैन हाउस पार्ट मिल सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा फिर गाइस यहाँ पे बाकी मैजिक आइटम्स आप लोग देखने को मिलेंगे, बुक्स मिल सकती है एपिक में, लेजेंडरी में आप लोग को हीरो इक्विपमेंट 21% चांस है, किंग क्वीन वार्डन की स्किन, उसी के साथ साथ कुछ मैजिक आइटम्स। टाउन हॉल 15 पे भी गाइस यहाँ पे सेम रहेगा, अमाउंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है यहाँ। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत ज़्यादा हाई मत रखना। फ्री के चेस्ट हैं आप लोग को 20 डेज तक मिल रहे हैं, तो क्लेम करो और जो भी रिवॉर्ड आपको मिल रहा है उसमें आप लोग सेटिस्फाई रहो। गाइस यहाँ पे ओर्स और जितने भी मैजिक आइटम्स फ्री में आप लोग को मिला, उनको गाइस यहाँ पे कलेक्ट करने में हालत ख़राब हो जाती है, स्पेशली गाइस यहाँ पे ओर्स। और जिनको भी गाइस यहाँ पे अभी तक लेजेंडरी चेस्ट नहीं मिला है, चाहते हैं कि मिल जाए, तो आई एम डैम श्योर गाइस यहाँ पे 20 डेज का इवेंट है, आप लोग को एक या दो लेजेंडरी चेस्ट तो बेसिकली मिल ही सकते हैं। तो जितने भी चेस्ट वगैरह हैं उनको क्लेम करते रहो, कलेक्ट करते रहो, एंड आई होप कि गाइस यहाँ पे जल्द से जल्द आपको लेजेंडरी चेस्ट देखने को मिल जाए। तो रिवॉर्ड्स गाइस यहाँ पे सभी के सेम है जैसा कि मैंने बताया। टाउन हॉल 16 में भी आप लोग को गाइस यहाँ पे कॉमन में रिसोर्सेज एंड मैजिक स्नैक्स देखने को मिलेंगे, रेयर में गाइस यहाँ पे ग्लोई और शाइनी ओर्स, उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे मैजिक आइटम्स, एपिक में आप लोग को गाइस यहाँ पे डेकोरेशन, क्लैन हाउस पार्ट और उसी के साथ साथ ज्यादा अमाउंट में ग्लोई ओर्स मिल सकते है, लेजेंडरी में किंग क्वीन वार्डन की स्किन, रॉयल चैंपियन की स्किन और हीरो इक्विपमेंट। बिल्डर बेस के रिवॉर्ड के अमाउंट गाइस यहां पे आपके बीएच लेवल पे जो है डिपेंड करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। डेकोरेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये सभी डेकोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, सारी की सारी डेकोरेशन नहीं कि कुछ भी आप लोगों को मिल गया, तो ये आप लोग देख सकते हो। लॉगमस ट्री, इटर्नल फ्लेम, जो कि काफी अच्छे-अच्छे डेकोरेशंस हैं, कैपिटल हाउस के पार्ट्स भी आप लोगों को ये सभी देखने को मिल जाएंगे, क्लैशमस 2022 के भी गाइस यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी सही देखने में लगते हैं। हीरो स्किन्स गाइस यहाँ पे इसमें गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि जितने अभी तक के जेम अवेलेबल स्किन्स हैं वो सभी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं,
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 1500 जेम आपके बच जाएंगे और ये सभी स्किन्स भी काफ़ी अच्छी लगती हैं देखने में। तो अभी तक के आप लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हीरो इक्विपमेंट रिवील करने से पहले लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। इस वीडियो का एम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स, तो होप श्योर आप लोग कंप्लीट करा दोगे। जायंट गॉन्टलेट और फायर बॉल, स्पाइकी बॉल, ये जो मेन जो इक्विपमेंट्स है वो आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक गाइस यहाँ पे जितने भी एपिक इक्विपमेंट्स हैं वो आप लोग को इसमें, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को फ्री के चेस्ट देखने को मिल जाए, वो कोई भी हो सकते हैं, लेजेंडरी, एपिक, कुछ भी हो सकता है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। कोई लिंक वगैरह पे आप लोगों को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इसमें सबसे ईजीएस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, 1-1.5 मिनट की वीडियो है और क्या पता आप लोग को लेजेंडरी चेस्ट देखने को मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आप लोग को अगली वीडियो में।